इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो भाई, नमस्ते भैया जी, नमस्ते। दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, अंकिल। हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। अरे भाई, हो तो गई, अब कितने देगा? हो तो गई, ठीक है भाई। मैं भी परेशान हूँ, ऐसे जैसे आप परेशान हैं मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो। हाँ सुन तो रहा हूँ। हाँ हूँ, बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। सुन रहा हूँ मैं। हाँ, बता, तो कई ऐसे मैसेज आए, कई मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको रखूँ या डिलीट। तो भाई मेरे को क्या करना है उसमें? एक सेकंड, वही मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ? वो तेरी मर्जी की बात है यार, रखना है मत रखो भाई साहब। हेलो। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। अरे यार चलो, नेटवर्क नहीं यार, फोन काटा। सुनो तो, कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ रखूँ या डिलीट कर, जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए, हैप्पी दिवाली। ये एक मैसेज है, इसको हटाऊँ रखूँ? हटा दे, ठीक काट देते हैं इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में चार चांद लगाएं, लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या है यार, ये रखूं या हटा दूं? तेरी मर्जी है, रखना है रख ले, नहीं तो। एक और सुनो। हेलो यार, फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता तुझे यार, दिमाग यार 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 आप गलत नहीं बोले सही हो जाएगा। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं। मैसेज चेक करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है मेरे पास में, खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊँ ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूंगा कौन सा ध्यान है। मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली में भी भेज रहा है, दिवाली में भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा में भी भेज रहा है, नए साल में भेज रहा है। तो क्या कौन हुआ? है गुल? गुल से आपको गलत नहीं बोली है? देखिए आप गलत बोले तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा, अगली बार से वो आपको पैगाम चर्च में पढ़ा से क्या होता है ऊपर घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज समझ में आ गया ना। तो गुल ने गुलशन से वाली पे सलाम भेजा है, डाल दूंगा गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बहुआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, या हु इज दिस? ओह, इंग्लिश इज इंजीनियर टू हेल्प बाय सर, यू स्पीक इंग्लिश और हिंदी इज फाइन विद यू? नहीं नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? क्या हो गया भाई साहब? मैं बहुआ बोल रहा हूँ आपसे, एक मिनट चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ क्या? नहीं एक मिनट चाहिए रहेगा, जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र पड़ी है भाई। सुबह? हाँ सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी भाई साहब? मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है। गलत बात, आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा, तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध सफेद कैसे होता है? तो मेरे को क्या पता? आप गलत मत बोलिए ना भाई साहब, सुन तो लीजिए एक सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? एक मिनट चाहिए आप तो, मतलब दूध दूध होता है सफेद भैंस हो काली भैंस हो, मैं क्या भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब, एक मिनट चाहिए आपसे। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी, अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर, अक्षर से आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब, ग्रीन तो घास भी होती है, और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं, पेड़ में लकड़ी होती है, और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है, ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको? मेरे को क्या पता साले? आप तो जब आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता
तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल जाए? आपको साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे में। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया, तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है? नेचर आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह सुबह टट्टी आती है, ठीक है? मेरे दिमाग में वही बड़ा है। मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजा चलो अंकिल, नमस्ते बहुआ, बोलो हेलो। हेलो माझा तुमचा जुड़ता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न। आप वाला जो वो था एक ताई तलक ताई ताई तलक, अरे फोन बनी है ताई, बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो भाई साहब? मैं बहुआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नव युवक। कौन बहुआ बैराजी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई साहब, क्या बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए, कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइन हाँ देखी है, येलो कलर की होती, येलो होती है। और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं मालूम। ब्लू होती है, रेड होती है, मैजेंटा होती है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन काला और गोरा नहीं होती वैसे, सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवाल पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा अभी बाद में ही हो। तुम बोल कौन रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, फोन तक दूके मैं। सॉरी, तो रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग, तो एक फिल्म भी था कमल सदाना थे उसमें, तुझे ना देखूं तो सार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी अमृता, नदीम सरवन का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने ले गए, आप ले गए 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती, तो कितना अजीब लगेगा। तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे उसमें कोई दाग ना है। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? तुम जहाँ बैठे हो ना मेरे को वहीं आना है, तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैठा की जी, इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ। आप कैप्चा बदलू? लेट कैप्चा बदलू हो गए, आप ही हैं जो डिफेंड IRCTC में। गलत आदमी कैप्चा, टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। गलत इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैठागी, इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में सकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उल उली कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग, बट एफसी रॉकिंग 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, इसे ना देखूं तो टक टक। फोन आया था जो बहुआ को टॉपिक देते हुए कहते हैं कि आजकल अलग अलग तरीके के गाने बनने लग गए हैं, और एक गाना आया आजकल बड़ा चल रहा है कि आज रात का सीन बना ले। क्या इसी गाने पर बहुआ कुछ मजे ले सकता है? ये सुनिए। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, बहुआ बोल रहे हैं। कौन बहुआ भाई साहब? दो मिनट चाहिए था ना। हेलो तो भाई साहब बता तो दो कौन हो। अच्छा काम पहले बता दूँ क्या? सब बता दूंगा। हाँ, एक गाना सुन रहा था मैं, समझ नहीं आया मेरे को। कौन सा गाना सुन रहे हो? ये बताइए, सुनो देखिए, ये सुनिए। आज रात का सीन बना ले, यहाँ पर ये लड़की कह रही है आज रात का सीन बना ले। हाँ जी जरूर कह रही है, हमने भी सुना। तो सीन बनाने के लिए सामग्री क्या क्या लगेगी रात को? नहीं पता यार, तू बता दे भाई। मैंने सोचा कि क्या रेसिपी हो सकती है, तो मैंने लिखा भी है। तो रात का सीन बनाने के लिए सबसे पहले जवानी की आग जलाएं। जवानी की आग आज थोड़ा तेज ही रखें। आज तो ऐसी है जब तिल्ली लगानी दे रहा बस। फिर आवारा गर्जी की एक कढ़ाई ले लें, उसमें 2 चम्मच बेसडमी का तेल डाल दें। 2 चम्मच बस? हाँ। चुटकी भर जलालत ले लें। जलालत है? हाँ। और हल्का भूरा रंग होने तक रुकें। फिर चेहरे पर 200 ग्राम मेकअप। हेलो। और दिन में 3000 बार ओ बोलने वाली एक लड़की ले लें। फिर उसी 200 ग्राम मेकअप को दिलाने वाला, खरीदने वाला और 3000 बारी और सुनने वाला एक लड़का ले लें। तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। इन सब को एक खालीपन के यानी वेलापंती के कटोरे में फेंक लें
और भाई साहब जो कढ़ाई हमने आवाड़ा गिरदी की कढ़ाई गर्म करने को रखी थी उसमें ये फेंटा हुआ सामान डाल दें। थोकने लगा दे कमीनेपन का। हाँ और फिर बत्ती बुझा के 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद फिर 10 मिनट में उसके बाद आज रात का सीन बना। आज रात का जो सीन बनेगा आप लोग भी सीन बनाते हैं रात का? हाँ बनाते हैं जी, क्यों नहीं बनाते हैं? कैसे बनाते हैं आप लोग? हमारे अब नवरात्र रह रहा है तो रात को सीन बनेगा हमारे यहाँ। नवरात्रि? हाँ, कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे। कहाँ रहते, कौन सा जिला है आपका? आप बताइए आपका। वहाँ पर आपके जिले में कुआं है? कुआं है और उस कुएं में तेरे गले पत्थर फेंक के तेरे को फेंक दूंगा। ए हेलो, अरे माता रानी पाप करेगी, रात का सीन बना रहा है इसका। पहली बार मेरे करियर में ऐसा। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको टॉपिक देते हुए एक भाई साहब ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो यहाँ वहाँ से मैसेजेस फॉरवर्ड होके हमारे पास आते हैं, इसके अलावा हम अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं, कई बार तकलीफ हो जाती है कि यार इतने मैसेजेस, इतने फोटोज, इतने वीडियोस, तो उसी बात पे बउआ ने क्या मजे ली, आइए जरा सुनो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था जी। कौन, क्या काम है बताइए? 2 मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको? मैं कह रहा था ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने फोन में है। बता तुझे काम क्या है? तो व्हाट्सएप भी आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछे, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना जल्दी पूछ। सॉरी। बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा, फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे तो उसने 10 ही खाए, 1 नहीं खाया, बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा उसका भाई, पेट भरा हो। ना 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 ना, क्योंकि 1 केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? 1 सेकंड। एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा, और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए, बताओ क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तेरा दिमाग खराब है। एक सेकेंड, एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया, बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर। तेरा साले, केले और हाथी दोनों प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकेंड रुकिए, इस बार सुनो, इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया था। तो अब मैं ही बताती हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए, बता क्यों? सारे सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहा है। अच्छा तो ना फॉरवर्ड करूँ तेरे को मैं? फॉरवर्ड करेगा क्या? Oh my God, जी बोल के काटा। हेलो भाई, नितिन ने फोन किया बउआ को और टॉपिक देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। क्या अतिथियों यानी मेहमानों के बारे में बउआ कुछ मजे ले सकते हैं? सुनिए। हेलो, माय गॉड, कौन बोल रहा है? वो टको एक्सीडेंट। हेलो हेलो लेडीज, हाय हाय, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था लेडीज। सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। हेलो हेलो, कोई सिग्नल में प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट गया था लेडीज। हेलो सॉरी, यार क्या प्रॉब्लम है? मैडम सॉरी, मैं 1 सेकंड चाहिए था आपका, आप समझ? मैं आपसे एक चीज के लिए पूछना था ना। सॉरी इफ आई एम बदरिंग यू, 2 सेकंड इफ आई टेक इंग्लिश और हिंदी, यू टेल मी आई कैन टॉक इन वेल इंग्लिश। आप हिंदी बोलो। सॉरी, मैं सही कह रहा था कि कभी आपको किसी ने घूमने के लिए ऑफर दिया है कि सेल यू गो अलोंग विथ मी समवेयर? किसी ने ऑफर किया मतलब? फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको गोवा जाने के लिए ऑफर करे तो आप कोई मुझे क्यों ऑफर करे? नहीं वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई करे ना तो आप उसको मना मत करे, क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। अरे तो मैं क्यों जाऊँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लड़का आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों। फोन रख दो प्लीज। हेलो, हेलो हेलो
क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतनी देर से परेशान? सर मैं नहीं आ रही फोन, एक सेकेंड। कोई आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है लड़का, आप उसके साथ चली जाइए, क्योंकि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हो और उसे जरूरत हो। क्या मेहमान? गोवा? मेहमान को देखिए सुनिए, जब मेहमान आते हैं घर में, जल्दी बोलो। देखिए हाँ नहीं नहीं, अगर आप गोवा जाएंगे और समंदर में डीप लगाएंगे तो पता है क्या हो जाएंगे? क्या होगा? समंदर में नहा के और भी आवाज आ रही है, हेलो, नमकीन हो गई हो। और देखिए नमकीन, जब मेहमान आते हैं तो चाय के साथ नमकीन की तो जरूरत पड़ती है। हेलो, अब तो अपने घर से फिल्म आऊंगी, बहन होंगी, किसी को गोवा से ट्रिप तो आप तो बुरा मान गई, मैं तो एक लॉजिक बता रहा था, मजाक कर रहा था, समझ नहीं आ रहा है अपना लॉजिक अपने। छी, आप कैसे बोल सकती हैं ऐसा, इतना गंदा। माय गॉड भाई, भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है सुनिए। हेलो, हेलो, हाँ जी कौन? हाँ जी नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। ता? मैं बा? क्या हुआ, ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। दो मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी मौका है, बताएं। मौका, शादी के लिए इश्तिहार दिया था ये? हाँ जी दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये नाम हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी, तो शादी की उम्र हो गई आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और क्या, तुम्हारे यहाँ के आदमी से शादी होती है? दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं अपशब्द नहीं, तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती छोड़ना ही कर दी। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को शादी करता है आदमी। यही बात कहने वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता, एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, वन एट ए टाइम, आप गलत नहीं बोल सकते, और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली बिल्ली तो। पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए, बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकेंड, यानी आप कह रहे हैं बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तुमने? सुबह का टाइम हो गया, फोन कट गया था, एक सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था तो? नहीं नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। एक सेकंड। नहीं ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे। काट दिया। तो भांगी ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया था कि बीए की डिग्री के लिए जो बवाल चल रहा है उसमें बउआ और बैरागी जी कुछ मजे ले सकते हैं। ये सुनिए क्या किया बउआ और बैरागी जी ने। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते, कौन? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आवाज बैरागी जी की थी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बैरागी, कौन हुआ? एक मिनट चाहिए था आपसे, एक चर्चा करनी थी अगर आपसे। नहीं नहीं मुझे नहीं करनी कोई चर्चा भाई साहब, एक स्पेशल चर्चा जहाँ बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट होता है। चिल्लाहट हो रही है पीछे। अच्छा तो तुमने मुझे कैसे ले लिया चर्चा? आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं। दो मिनट लगेगा, आज का मुद्दा फट से बताऊंगा और झट से चर्चा समाप्त। बोलो। आजकल दिल्ली के एक बड़े नेता जी बीए की डिग्री के पीछे पड़े हैं बैरागी जी। जी जी हाँ हाँ सही आ रहे हो। ये भी हंस पड़े। बीए की डिग्री में ऐसा क्या खास है जो पीछे पड़े हैं, बताइए बैरागी जी। देखिए अपने आप में बीए बहुत बड़ी चीज है। अरे बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। हाँ हाँ, बैचलर के मायने अगर मैं आपसे पूछूं तो बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई है। कुंवारा। बैचलर ऑफ आर्ट होता है पीछे फालसे बेच रहा है उससे ले लो दो चार फालसे। बैचलर मतलब कुंवारा आदमी और आर्ट मतलब कला। आर्ट मतलब कला यानी बैचलर ऑफ आर्ट कुंवारेपन की कला। क्या बात है। अगर कोलंबस जिसने अमेरिका खोजा वो बैचलर ना होता तो वो क्या ऐसा कर पाता? मतलब अमेरिका खोजते समय वो बैचलर था? जी बैचलर था बिल्कुल। तुझे कैसे पता? सुन लो ना, बोल रहे हैं तो बैचलर नहीं लेने।
खड़ा हुआ कोलंबस हाँ। अगर कोलंबस शादीशुदा होता तो वो कभी ना ढूंढ पाता, क्योंकि उसकी बीवी के सवाल होते आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों नहीं आए अब तक, आप क्यों जा रहे हो, बाकी ये तो नहीं एक नंबर की बात कर बाकी गया कोई नहीं ढूंढने वाला अमेरिका, और आखिर आप क्यों जा रहे हो, हाँ। आपने स्वेटर डाला, आप नंगे तो नहीं जा रहे। कोलंबस ने कुंवारेपन में इतनी बड़ी खोज कर दी, और उसके बाद देखिए आप जो भी कुंवारा आदमी है वो इतना फ्री है, सब कुछ कर पा रहा है, बैचलरहुड की पार्टी रखी जाती है, इसीलिए कहते हैं बैचलर यानी कुंवारेपन की। बैठा की जिनका नाम क्या है? गुफप मल्होत्रा। तेरा बाप का नाम है वो? आप गुफप मल्होत्रा हैं? ओ तेरे इतने घूसे दूंगा, तेरे घूसे दूंगा। गुफप किया है इन्होंने बहुत ज्यादा। चर्चा खत्म हो रही है। बैठा की जी आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी टैबूगढ़ रेलवे स्टेशन के नीचे। वाह। खीरों पर पानी छिड़कने वाली कुमारी बावरी कोमल कहती है यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम, और एक स्माइली बनाया इन्होंने। कौन सा? चुंबन का आंख नीचे हुए। वाह बैठागी जी एफसी रॉकिंग नहीं होता कोमल। आयुष का सवाल एकदम सही है, कहते हैं रौनक भाई इंसान के जीवन में जो खालीपन होता है उसे भरा कैसे जाए, क्या बउआ भर सकता है? सुनिए। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। कौन जी? बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ, क्या काम है? काम तो देखिए बता दूंगा, मैंने एक दुकान खोली है। कौन सी दुकान, कैसी? सर्विस देता हूँ खाली जगह भरने की। खाली जगह भरता हूँ? हाँ जी। देखिए हमारे यहाँ नाना प्रकार के ग्राहक आते हैं, उनकी खाली जगह भरनी होती है, आपसे मदद चाहिए। हमसे मैं क्या मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं क्या तुम्हें मदद करूँ? नहीं ग्राहक सामने है अंकिल। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है। बैठो बैठो। तो उसने किया क्या अंकिल? उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया तो जगह खाली हो गई। छेद भरना है? छेद भर। अल्लाह थाली लाओ। हाँ थाली लाओ। ये दीजिए। हाँ एक सेकंड अंकिल। आए नहीं वहीं रहे, एक सेकंड। एक थाली में छेद, एक सेकंड। ये लीजिए थाली का छेद भर दिए। कैसा लग रहा है? I'm feeling great. पहले मैं बहुत रोता रहता था, but now you have done this and it's superb job. Okay, thank you. Okay, come again, bye. Thank you, bye, take care. हिंदी से इंग्लिश बोलने लगा। आज क्या से फोन रख। फोन एक सेकंड, एक और कस्टमर आ गया अंकिल। हाँ मेरे गाने जो है। गाने? हाँ देखिए सीडी चला के देखिए। सीडी? अबे क्या हो रहा है ये? गाना लीक कर दिया। हाँ। अबे गाने में लीक क्या होता है? बना रखा था ये फोन रख। एक सेकंड रुकिए आप, गाना पहले सुनते हैं भाई साहब। हेलो। हेलो। हाँ यही है। ये गाना है, इसमें खाली की जगह क्या है? ओके सीटी साइड। इसके आगे तो बहुत कुछ सेट होता है, पर दोनों की माँ का साकिना। साकिनो गंजा बोल दिया। ये लीजिए लीकेज। इंसान की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से टॉपिक आया है कि क्या सोनम गुप्ता बेवफा है, और अगर है तो उनकी बेवफाई का रीजन क्या है, कारण क्या है? इसी पे बहू और बैरागी जी ने करी एक स्पेशल चर्चा, जरा सुनिएगा। हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार। कौन? मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। अच्छा बउआ कौन बोल रहा है, अपना इंट्रोडक्शन तो दे भाई। बता दिया, अब आप बताइए तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? दो मिनट लगूगा। अच्छा दो मिनट चाहिए? हाँ चल शुरू करो। क्या बात है, तुरंत मान गए भाई। हो रहा है क्योंकि लाइन में नहीं लगे हैं, बात कर रहे हैं सीधा अपने। भाई साहब नोट बंद हो गए 500,000 के। हाँ और उसके बाद एक नोट पे ये भी लिखा हुआ आया कि सोनम गुप्ता बेवफा। जागरूक इंसान, बहुत बढ़िया। समाज में बैठते हैं हम भी, सब पता है समाज में बैठते। तो बताइए आपने ये सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन उनकी बेवफाई आखिर हुई कैसे? लग गई होगी किसी के साथ, हो गई होगी बेवफाई। लग गई होगी मतलब वो बिजली की तार थोड़ी है, लग गई होगी। हमारे साथ बैरागी जी, वो बताएंगे उनकी बेवफाई के किस्से। बैरागी जी आखिर क्यों बेवफा बनी सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता को पहली बार उनके आशिक ने 1975 में वृक्ष के तने पर लिखा था सोनम गुप्ता आई लव यू। पेड़ पे ऐसे चाबी से नहीं लिख देते भाई साहब, खरोच के लिखा था। खरोच भाई साहब आप हैं लाइन पे। और उसके बाद आशिक नंबर 35 ने उनका नाम रेल के डब्बे में शौचालय में लिख दिया, सोनम गुप्ता लव यू। अबे ये मेरे से ही करेगा, किसी और से कर ले। एक सेकंड, वो बेवफा कैसे हुई फिर? काल का चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया। हाँ। और नोट जो है बंदी हुई, नोट बंदी हुई, नए नोट चालू, नए नोट चालू हो गए। अबे तो इससे सोनम का क्या लेना देना? एक सेकंड, फिर जैसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मोदी जी के द्वारा, उन्होंने कहा ये नए नोट विकास के लिए, विकास के लिए। भाई साहब आप सुन रहे हैं ये खबर सोनम गुप्ता जो बेवफा है उसने सुनी।
मेरी रसोई था वो आटा छोड़कर भागी हाँ। कहती मैं तो विकास के पास जा रही हूँ। ओह इस वजह से सोनम गुप्ता बेवफा हो गई और विकास के लिए समझ के वो गई, लेकिन विकास तो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो बात कर रहे थे वो तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट की है, नए नोट विकास के लिए है। और विकास के को ना विकास मिला हाँ। और ना उनका पति मिला। अच्छा इनका नाम क्या भाई साहब का? इनका नाम बहुत ही प्यारा है, द्रिमुदल लाकड़ा। आप द्रिमुदल लाकड़ा है? अरे लाकड़ा क्या, तेरी में दे दूंगा लाकड़ा। नहीं बस कह दिए ये चर्चा यही खत्म। बस बस कह दिए चर्चा ये लाकड़ा जी थे। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है? इस बार की चिट्ठी पॉप लीला इलाका एक है, तो वहाँ भी ट्रेड फेयर लगता है। अच्छा उस ट्रेड फेयर में कटा पाइनएप्पल लेकर हाँ। ठेले वाले को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो बोलने वाली तो चनिया फरोजी कहती है यू गाइस आर एफ से लॉकिंग। गलत बोल रही है ना, पेमेंट कैसे लेगा ठेले वाले? शांत फोन करके बहुओं को टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि आजकल के टाइम में आदमी फट से रिएक्ट करता है। भाई कोई बात सुनी है तो पहले उसको समझ लो उसके बाद बोलो ना, सुना फट से रिएक्ट करेगा। बहुआ ने इसमें क्या मजे लिए सुनिए। हेलो मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो कौन बहुआ? मैं बहुआ, आप उठ जाओ बाद में लगा लूँ क्या? हाँ नहीं भाई, हेलो दो मिनट ओनली टू मिनट। यहाँ पे मेरे घर के सामने एक आदमी, अच्छा घर किसी के घर पे आग लग गई थी। अच्छा उस आदमी ने 6 लोगों को बाहर निकाला। अच्छा इतने मुश्किल से फिर भी उसको जेल में डाल दिया। पहले तो तू एक बात बता कि ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप इंसान हो कि क्या हुआ? फोन पे क्या कुत्ते बात करते हैं, इंसान ही बात करते हैं। लॉजिक होना चाहिए ना किसी को पकड़ने। मकान में आग लग रही थी हाँ। मकान से 6 लोगों को बाहर ही निकाला उसने। अच्छा फिर भी जेल हो गई। ये तो सरासर नाइंसाफी है। क्या बात है, वाह। एक बार 2 रुपए का वापस बोलना। झापड़ मारूंगा। 2-2 रुपए नहीं, सड़ासर नाइंसाफी नहीं। सुन तो जो 6 लोगों को बाहर निकाला वो फायर ब्रिगेड वाले थे। वो क्या देगा? एक और आदमी था उसको जेल हो गई क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे ना बोतल आ गई। गाड़ी के नीचे बोतल आ गई तो जेल हो गई? हाँ बोल। सड़ासर क्या है ये तो? सरासर नाइंसाफी नहीं, क्योंकि उसकी जो बोतल आई थी ना हाँ वो किसी के पॉकेट में रखी थी अपना। तो सिग्नल में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है सर? सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक आदमी इशारे कर रहा था, मैंने उसको जाके थप्पड़ मार दिया। पुलिस उल्टा मेरे को ही ले गई। अब बोल सड़ासर। अरे नहीं वो ट्रैफिक वाला था, वो तो अपना काम कर रहा था, मेरे से गलत फहमी हो गई थी भाई। एक सेकेंड, एक आदमी लगातार उंगली किए जा रहा है। मैंने सोचा मैं सोचा उसको उठा के पटक दूंगा, लेकिन लोग मुझे ही मारने लगे। क्यों? अबे जब तो अंपायर उंगली करे। अंपायर बस कर, अंपायर पहचान लिया तूने तो इतनी देर से ऐसी बातें करेगा फोन कर क्या मारूंगा तो मेरी करेगा फोन जी, खुद के लिए ऐसा बोल रहे बेगैर है फोन। तू ब से गधा है, ग से बेवकूफ है। चैप मेरे कुछ नहीं। इंडियाज नंबर 1 RJ रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 RedFM, बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता है डैड। उठा क्यों नहीं जाता है? बता वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है ये तो। आलस यही आता है। अच्छा फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुँह दर्द कर उबासी आती है। तू पागल का बच्चा है क्या? इतने धीरे क्यों बोल रहा है, जोर से बोल। जोर से क्या, मैं भी तेरी मारूं यहाँ पर। सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। वाइफ है? नहीं वाइफ तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो वैसे तो नहीं है। पर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती लाके क्या करेगा? उखाड़ लेगा। उखाड़ नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई। देयर वाज अ टाइम क्लबिंग शबिंग पबिंग। क्लब की शबिंग? अपनी शक्ल देखी है, लैटिन में बैठेगा ना बाहर को दरवाजा पकड़ के बैठेगा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द नॉर्मल मैन। सॉरी। तू शाहरुख खान नहीं है, तू बड़ी एक मिनट, व्हाट बाउली बॉडी।
कैसे बोल लिया दो इतना गंदा, आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ, तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दूँ, मैंने आलस बोला ना। तेरी इस हाले तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुशुड फुसुड में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। अच्छा। वरना तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के पर्दे फाड़ देता। कान तो एक बार मुंह निकम्मे आदमी। बस फिर नहीं, तुम जो कर दो वो कर दो, बाद में पानी गिरा देना बस। हेलो, तू अकेले जा रहा है? तू अकेले क्यों नहीं जाऊँ? मैं अपनी बहू को लेके जा साथ। एक सेकंड रुकिए, पीछे हेलो हेलो कर दिया। हेलो, हाँ क्या क्या बात है भाई? कौन? रुक नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ अपने बाप से। क्या मैं क्या रुकूँ यार, फोन तुमने बुलाया, बात करूँ? अच्छा, क्या बात है? जी मैं बहू बोल रही, एक सेकंड रुकिए। हाँ, मेरा बाप और मेरी पत्नी मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। अरे प्रेशर डाल रहे तो भाई मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? इंसानियत के नाते आप मदद नहीं कर सकते? क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? कल रात को जब पंडित जी ने हमारे फेरे कटवाए, हाँ, तो मुझसे कहा अग्नि को साक्षी मानो। हाँ ठीक था उन्होंने, अब उसके साथ जीवन बिताओ। बिल्कुल बिताना पड़ेगा भाई। तो मैंने एक सेकंड, मैं माचिस की डिबिया लेके जा रहा हूँ, मैंने अग्नि को साक्षी माना है, उसी के साथ हनीमून मनाऊंगा। अरे अग्नि को साक्षी मान लिया? अबे अग्नि को साक्षी का मतलब होता है उसके सामने वो अग्नि जल रही थी, पूजा करके तुमने फेरे लिया। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ बोल। गैस, अगरबत्ती, दिया, माचिस, लाइटर, बीड़ी, इन सब में अग्नि है। ये सारी मेरी पत्नियां है। हेलो, तेरी पत्नियां है? तुम समझा तो समझ नहीं आ रहा, तुम समझा जो। पापा अंकिल बोलो बेटा, बहुआ इसको लेके जाओ। नहीं जाऊंगा, जिंदगी खराब कर दी लड़की। मेंटल है क्या तू? मेंटल? मेरे पापा से कहो बीड़ी पीना छोड़ दे। तू बीड़ी पीना छोड़ दू? बीड़ी पीना छोड़ दे, बुरी बात की बात नहीं है, वो तो बुरी बात तो है, लेकिन बीड़ी में भी अग्नि है, यानी उनकी बहू है। मुंह लगाते हो? मैं बहू को मुंह लगा? अपने बाप से बात कर रहा तू? मैं तेरे बाप को हमें नहीं मालूम था ऐसा कर देगा। तुम्हें ये तो मालूम था नहीं, तुम्हारा लड़का हिला हुआ किसी लड़की की जिंदगी खराब करती है? हिला नहीं, कल शादी करी। कल ये मॉल गया था बउआ, वहाँ से साड़ियाँ उठा के लाया, सारी साड़ी गैस पे रख के जला दी। पूछो क्यों जलाई साड़ी? अपनी बीवी के लिए साड़ियाँ लाए थे। बेटी बीवी कौन? अग्नि है। नहीं, मैंने उसको समर्पित कर दी साड़ियाँ। अग्नि 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 करके समझे ना, मेरी आग लगा दूंगा। काम का टाइम है। हेलो जी, नमस्ते अंकल। बेटा तेरा बाप अंकल होगा। अच्छा क्या हुआ? सॉरी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अंकल बोलने पे इतना भटक गए तो नहीं भटकूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, बात कटनी है आपसे दो मिनट यार। तो मैं तेरे को जानता नहीं, मैं बात क्यों करूँ? चल फोन दे। हेलो फोन नहीं, हेलो फोन नहीं रखना, आपको आपकी मम्मी की कसम। क्या क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला तेरी माँ की कसम तेरे को। अबे माँ की कसम कैसे दे रहे? ऐसे ही कि तेरे को तेरी माँ की कसम ऐसे दे रहा हूँ। अबे तेरी दे रहे? सॉरी, गंदा क्यों बोल रहे आप? मैंने माँ की कसम। मैंने तेरे तेरे बाप की कसम। बाप की कसम देंगे आप मुझे? हाँ यार, मेरे पापा तो है नहीं। अच्छा क्या? हाँ पापा तो नहीं है, मतलब सॉरी, मेरे को क्या पता था तू अपने मरे हुए आदमी को गाली गलवाने के काम कर रहा है। मैं मरे आदमी? तो फिर तू तो कह रहा तेरे पापा नहीं है। नहीं है मतलब मरे थोड़ी है, वो तो बस स्टैंड पे पुरानी मैगजीन बेचते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अबे तू पहले बताता ना, गलत बोले जा रहा है। गलत क्या बोल रहा हूँ? मैंने बोला पापा नहीं है, आपने तो मार ही दिया। मैंने मार दिया क्या? और देख के बताएगा नहीं कि मैं क्या बता? देख तेरी माँ की कसम, फोन काटा तो तेरी। एक सेकंड सॉरी, थोड़ा सुन लो। हमारी कसम बेचने की दुकान है। अच्छा? हाँ, तो जिनको जिनको नकली कसम खानी होती है हमसे ले लेते हैं, माँ की बाप की। अच्छा। आपने भी माँ कसम खाई होंगी ना झूठी? अबे मैंने कभी माँ कसम नहीं खाई। आगे सर नहीं खाई है तो भी आगे स्कोप है ना, 5 नकली माँ कसम मैं आपको दूंगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगी, आप खा सकते हैं। मेरी बात सुनी, मेरा गला बैठा है, मैं आपकी बात एक लेडीज से कटवा रहा हूँ। हेलो, मैं रोजी। हाँ बोलो रोजी। रोजी की कसम दुकानदार खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है। रोजी गंदा नहीं, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को भी कसम मिलती है, पता है?